एक कार्यक्रम किया था सर, उसमें बड़ी गुटबाजी नजर आई थी, कई नेता हेलीपैड पे ढाई ढाई करते थे। आप भारतीय जनता पार्टी के इंजन से जो टकरा रहे उसके बारे में बोले क्यों नहीं बोलते? मेरे सवाल पर भड़कने वाले अखिलेश यादव आज बड़ी टेंशन में हैं, क्योंकि उन्हीं के नेताओं ने उन्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया है। उनका सुख चैन मानो खत्म हो गया चुनाव के बाद, जैसी हालत किसी ने सोची नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। आज सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अब्दुल सिर्फ दरी बिछाने के लिए है क्या? जी हां, अब्दुल यानी कोई भी मुसलमान जिन्होंने बढ़ चढ़कर अखिलेश यादव को वोट दिया, जिन्होंने सोचा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी पूछ होगी। लेकिन अखिलेश यादव को जो 111 सीटें मिली, उसके बाद अखिलेश यादव ने मुस्लिमों को तो पूछना ही बंद कर दिया, उनके मुद्दे उठाना बंद कर दिया। पिछले 2 साल से ज्यादा हो गए आजम खान जेल में है, एक भी जगह धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। और अब तमाम बड़े नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी को तोड़कर रख दिया, यानी वो छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, तैयारी हो चुकी है। सबसे पहला नाम तो आपको याद होगा, अपर्णा यादव चली गई, उसके बाद शिवपाल यादव ने तैयारी पूरी कर ली, अपनी पार्टी के तमाम जो पद थे उनको भी भंग कर दिया। और अब सुखराम यादव ने जो तैयारी की है, पहले वो मोदी से मिले, फिर योगी से मिले, और जो कहा वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देख लेना चाहिए कि आखिर कैसे आजम खां के मीडिया प्रभारी ने साफ तौर पर अखिलेश यादव को ये बता दिया कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है। यहां तक तो सब ठीक था, मुस्लिम गए, अखिलेश यादव फिर उनको कोई ना कोई चूर्ण देकर अपने साथ जोड़ते, लेकिन अब यादवों में सेंध हो गई, और वो भी तगड़े वाली। शिवपाल यादव तो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, वो लगातार बड़े नेताओं से मिल चुके, वो योगी से मुलाकात भी कर चुके, उनका लगभग ये तय हो गया कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, बस तारीख का इंतजार है। लेकिन इस खबर से पहले ही सुखराम यादव, जो यादवों के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनकी तूती बोलती है, जो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, वो नेता भी आज छोड़कर जा रहे हैं। और जो बोल रहे हैं वो आज आपको सुन लेना चाहिए कि आखिरकार सुखराम यादव ने मोदी योगी से मुलाकात करने के बाद जो बात रखी, अखिलेश के बारे में जो शब्द कहे, एक बार जरा गौर कीजिए। सांसद सुखराम यादव कहते हैं अखिलेश यादव की कार्यशैली ठीक नहीं है और बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं पार्टी छोड़ने का। एक टीवी चैनल पर सीएम योगी की तारीफ करते हुए वो कहते हैं, मेरी पीएम मोदी और सीएम योगी से अलग अलग मुलाकात हुई है, दोनों से मुलाकात में मैंने महसूस किया कि दोनों अभूतपूर्व क्षमता वाले लोग हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो देखा आपने सुखराम यादव ने क्या कहा कि योगी मोदी में बहुत क्षमता है, अखिलेश यादव पर उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठा दिए। सबसे बड़ी बात तो कि लगातार गाए बगाए अखिलेश यादव ने अब अपने नेताओं से मुलाकात करनी बंद कर दी है, उनको पूछना बंद कर दिया, उनके फोन उठाने तक बंद कर दिए। और अब एक और नेता जो सालों साल से अखिलेश यादव के लिए खड़े गए, मुसलमानों का वोट बैंक रोज इकट्ठा करते थे, कासिम राइन, वो भी आज छोड़कर चले गए। उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है, और जो शब्द कहे अखिलेश के बारे में जरा सुनिए। मैं कासिम राय, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत कोई रिपोर्ट, आज पार्टी की नीति, समाजवादी पार्टी की नीतियों से तंग आकर समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री आजम खान साहब को विधायक रहते हुए जेल में डाल दिया जाता है परिवार सहित। नाहिद हसन साहब को
समाजवादी पार्टी का विधायक होने के बावजूद जेल में डाल दिया जाता है, और सहजिल इस्लाम साहब को विधायक रहते हुए उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ना ही कुछ बोलते हैं, ना ही पार्टी स्तर पर कहीं विरोध करते हैं, इनको तो मुस्लिम के कपड़ों से बदबू आती है। ऐसी स्थिति में इस पार्टी के साथ रह पाना बहुत मुश्किल था, दम घुट रहा था, इसलिए पार्टी के सारे पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया। अब आप ही बताइए अखिलेश जी कि कहां इंजन से इंजन टकरा रहे हैं और कहां आपकी पार्टी से इस कदर भगदड़ मची है कि आप ही के सबसे विश्वास पात्र, आपके सबसे करीबी इस तरीके से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े नेता चुनाव हारने के बाद यह भी तय हो गया था कि अखिलेश यादव का फोकस 2024 से पूरी तरीके से हट चुका है, यानी उन्होंने रेस से बाहर होने का फैसला कर लिया है, और इसीलिए लोकसभा छोड़कर विधानसभा थामी थी, इसीलिए वो विधायक बनकर रहे ना कि सांसद बनकर, यानी जो लड़ाई 2024 में होने वाली है उससे पहले ही हार गए अखिलेश। अब देखना होगा आगे वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, जो सालों साल से जुड़े हुए थे, उन्होंने तय कर लिया कि अखिलेश में अब ताकत नहीं बची। आप अपनी राय जरूर रखिए, आपको क्या लगता है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जनता तक सच पहुंच पाए। नमस्कार।